ਇੰਗ ਘੱਪੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ गाइज लेट्स डू क्रिसमस मेकअप लुक एंड न्यू ईयर ईव मेकअप लुक सबसे पहले तो फेस को वॉश करना था देखो बहुत जरूरी है मैं यहाँ पे यूज करी गुड वाइफ का वाइटमिन सी ग्लो फेस वॉश डीप क्लेंजिंग करेगा और जो वाइटमिन सी है ना गाइज इसके अंदर ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है ये डार्क स्पॉट्स को ना फेड करने में और रि, रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होता है तो ये आपको नेचुरल ग्लो भी प्रोवाइड करेगा एंड साथ साथ में ये जो फेस वॉश है ना ये बहुत अच्छी तरह से आपके फेस में से जितनी गंदगी है धूल मिट्टी है सब कुछ अच्छी तरह से निकाल देगा हर एक स्किन टाइप को ये सूट करेगा एंड माई स्किन इज एकदम क्लीन एकदम फ्रेश एकदम स्मूद अब क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और स्किन केयर कर लेते हैं मैं यहाँ पे यूज करूंगी गुड वाइप्स का फेस मास्क ये है गुड वाइप्स एलो क्यूटर डी फेस मास्क है ये एंटी एक्ने Uh, है ये लाइटनिंग भी करेगा डी भी करेगा एंड गुड वाइज के प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूँ ना गाइस पैरबिन से होते सल्फेट्स नहीं होते मिनरल ऑयल नहीं होता और एनिमल टेस्टिंग नहीं की जाती इनके ऊपर एंड बात करूँ ना अगर मैं प्राइसिंग की तो ओ माई गॉड थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट इतना तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो वेरी अफोर्डेबल ब्रांड है अगर मैं बेनिफिट करूँ ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो ये एक्ने नहीं होने देगा आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से नरिश भी करेगा और साथ साथ में मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करेगा एंड And ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना गाइस मुझे बहुत पसंद आया ऐसा लगता है जैसे स्किन अंदर से मेरी एकदम क्लीन होगी और पोर्स जो होते हैं ना एकदम अनक्लॉग भी हो जाते हैं और आपकी जितनी डेड स्किन होती है ना वो सारी रिमूव भी हो जाती है जब आप कोई स्पेशल इवेंट के लिए वैसे अगर आप रेडी होते ना तो एक बार आप ना फेस मास्क जरूर लगा लिया करो स्किन बड़ी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है चलो जी अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लेंसेस लगा लूंगी लेंस कार्ड से मैंने अपने लेंसेस बाय किए हैं हैपी हनी शेड है बहुत सुंदर ब्राउन वाला कलर है चलो जी अब हम यहाँ पे टोनर अप्लाई करेंगे ये गाइस खीरे वाला टोनर है मतलब ये क्यूकम टोनर है रिच इन वाटर कंटेंट होता है ये आपको एकदम रिफ्रेश रिफ्रेश लगाओगे ना आपको खुद ही पता आपकी स्किन एकदम और एकदम, एकदम और हाइड्रेटेड फील होगी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगा आपके पोर्स को ना मिनिमाइज करने में सूद करने में आपके स्किन को काम करने में आपको हेल्प करेगा फिर मैं यहाँ पे गुड वाइब्स की ना क्यूकुम्बर ये फेस जेल अप्लाई करूंगी इतनी हाइड्रेशन प्रोवाइड की ना यार इसने मेरी स्किन को मतलब आप खुद देख लेना अगर आपकी अल्ट्रा ड्राई स्किन है ना तो आप ये वाले प्रोडक्ट को जरूर ट्राई करो या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना तो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑयली स्किन वालों को तो ये वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह से सूट करते हैं अगर आपके फेस के ऊपर थोड़ी बहुत अगर इन्फ्लेमेशन है ना गाइस तो आप ऐसे जेल प्रोडक्ट्स को यूज करो ये बहुत माइल्ड होते हैं एकदम अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता हैं रीजनरेट करेंगे आपके स्किन को अंडर आई सीरम मैं यहाँ पे यूज करूंगी गुड वाइफ्स का क्यूक्यूम्बर एंड लेमन वाला अंडर आई सीरम जो खीरा होता है ना गाइस वो रिच इन वाटर कंटेंट होता है और एकदम हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है साथ में इसके अंदर ना लेमन भी है नींबू जो क्या करेगा इन्हांस करेगा एक तो स्किन ग्लो में और स्किन टोन जो होते हैं ना उसको इवन आउट करने में आपको हेल्प करता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट देता है ना आपके डार्क सर्कल्स को फेड करेगा पर्फिनेस को रिड्यूस करेगा और अंडर आई एरिया को ना एकदम टाइट करेगा तो अपने बस आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में या फिर नाइट टाइम रूटीन में आप इस प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हो डेली यूज करो बहुत अच्छा वाला इसका रिजल्ट है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर तो अच्छी तरह से मैं इसको अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई कर लूंगी गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्किन केयर डन चलो जब मेकअप करते हैं मैंने यहाँ पे मेबलिन का प्राइमर ले लिया मीन वाइल मैंने अपना स्वेटर चेंज कर लिया ये मैंने अभी अभी रिसेंटली मंगवाया था क्रिसमस लुक के लिए मिंत्रा से तो ये मिंत्रा का स्वेटर है एक मैं रील एंड शॉर्ट अपलोड कर दूंगी आपको पता लग जा... आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है जी मामाज का यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया और वेटन वाइल्ड का यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिए जहाँ पे जस्ट मुझे रिक्वायर्ड है आम, साथ साथ में मैंने एक आधी क्लिप्स ना इंस्टाग्राम के रील के लिए भी शूट की थी तो या उसके बाद फिर अच्छे से हमने ब्लेंडिंग कर ली फिर मामार्थ के यहाँ पे मैंने ग्लो आ, ये लूज पाउडर था ये काफ़ी मैटिफाइंग लूज पाउडर था लेकिन इसका टेक्सचर इतना अच्छा था ना एकदम स्मूद पता कैसा लग रहा था मुझे इसका टेक्स्चर जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना कैरम बोर्ड के ऊपर जो हम पाउडर डालते थे ना एकदम चिकना बिल्कुल वैसा वाला था बड़ा पसंद आया मुझे ये वाला टेक्स्चर उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे वेटन वाइल्ड का आईब्रो पैलेट ले ली एंड उसके साथ अपने ब्राउज को फिल कर लिया मार्स की ब्लश पैलेट ले ली एक्चुअली मुझे सिर्फ ये वाला ब्राउन शेड चाहिए था तो आप कोई भी पैलेट ले लो यार जिसमें आपको जस्ट ये बेसिक वाला आपकी स्किन के साथ मैच करता हुआ ब्राउन शेड मिल जाए लाइट ब्राउन समझ हो आप लाइट बिस्किटी ब्राउन सा जो कलर होता है हल्का सा अप्लाई कर लिया पूरी लिड पेन जस्ट पूरी लिड पे अप्लाई कर लिया स्विस् ब्यूटी के ये कलर्ड आईलाइनर से बड़े सस्ते मिल जाते हैं डेढ़ सौ 200 तक तो के अंदर अंदर आ जाएंगे 150-200 के तो ये आ, इसका भी लिंक डाल दूंगी इसमें बहुत सारे कलर्स हैं आई थिंक येलो कलर भी है और साथ में ग्रीन कलर भी है तो आई हैव तीन चार कलर पर्पल कलर भी है तो ये रेड वाला मैंने बड़े टाइम से मंगवाया था स्पेशली क्रिसमस लुक के लिए ही दिमाग में चल रहा था मेरा कि अगर मैं रेड आई और डार्क रेड मरून अगर लिपस्टिक पेयर अप करूँ तो कैसा लुक आएगा मुझे खुद भी नहीं पता था ये जस्ट मैंने आज फर्स्ट टाइम लाल रंग का लाइनर लगाया बट ओवरऑल लुक आप लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे ना रात को ही रील डाल दी थी मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे था देखो जरा ऑडियंस कैसे रिएक्ट करते हैं सबको ही लुक बड़ा पसंद आया कल रात को इंस्टाग्राम पर मैंने रील डाल दी थी तो थैंक यू सो मच कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोग पसंद करते हो ना थोड़ा सा और ना खुल के काम करने का मन करता है कि हाँ ओके आई कैन ट्राई दिस ऑल्सो आई हैव टू ट्राई दिस ऑल्सो तो कुछ नया नया ट्राई करते हैं ना, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं मेन आपने देख लिया मैंने यहाँ पे क्या किया Maybelline का काजलगाई का शेडो भी लगा के स्मज कर लिया था जब स्मज कर लेना है ठीक है ना अपने काजल को हल्का सा और ब्राउन आई शेडो लगा लेना मेबलिन का यहाँ पे मैंने मस्कारा ले लिया है और उसको मैंने लगा लिया उसके बाद फिर ये सेम कॉन्टोरिंग करेंगे हल्की हल्की सी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको यू नो रेड पूरा लाइनर था और रेड ये था तो कॉन्टोरिंग तो करूंगी मैं लेकिन ब्लश पार्ट जो था ना वो मेरे को डार्क नहीं करना था वो बहुत हल्का हल्का सा रखा मैंने हल्का सा पीच टोन में ही ब्लश लगाऊंगी पिंक में नहीं जाऊंगी फिर पीच में पीचिश ब्राउनिश पीच और ब्राउन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये ऑरेंज नहीं जाना चाहिए था तो बस हल्का सा मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया ये मार्स की हाइलाइटर पैलेट है इसमें से पहले जो ऊपर वाले जो दो शेड्स है ना दोनों को बस ऐसे रैंडमली दो तीन जो शेड्स आ रहे हैं मेरे ब्रश में उसके साथ हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी काफी अच्छा वाला हाइलाइटर है चंकी पार्टिकल्स ने और बड़ा स्किन को बड़ा स्मूथ सा लुक देता है हैवी नहीं लगता है बिल्कुल भी तो चलो जी हाइलाइटर हमने लगा लिया लिप्स ये सब करते कराते बहुत ड्राई हो गए थे तो लिप्स को हल्का सा मॉइस्चराइज करेंगे मिलाने की माय मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक मोस्ट फेवरेट शेड है ये इतना खूबसूरत वाला रिच रेड कलर है ना मैं जब भी अप्लाई करती हूँ ना मुझे अपने आप में बड़ा अच्छा फील फील होता like, really है है लाइक आई रियली गुड मिलानी अमोर मैट लिक्विड लिपस्टिक और इन द शेड 14 डिवोशन मैंने जितनी बार भी लगाई है ना इसको मेरे पास आज की नहीं है दो तीन साल हो गए जितनी बार भी मैंने इसको लगाई है ना अपनी याद करो गोल्डन साड़ी के साथ भी एक बार लगाई थी जब मम्मी के घर में मेकअप लुक किया था बहुत बार बीच में भी लगाई है कोई ना कोई करवा चौथ लुक में भी जरूर लगाई होगी हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं और हमेशा लोग हमेशा कोई ना कोई जरूर पूछता है दी लिपस्टिक का शेड कौन सा है इतना सुंदर मरून ब्राउन कलर है ना हर एक स्किन टोन के ऊपर अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल में मैंने थोड़ा सा ऊपर करके अपने बालों को रबर लगा लिया था सिंपल वाला बाल को स्ट्रेट कर लिया था एंड ये रहा हमारा फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था ये तुक्के से किया था और ये अच्छा लग रहा था इसके साथ तो जस्ट मैंने फिर यही रहने दिया रेड आई लाइनर विथ गोल्ड मरून रेड लिपस्टिक कैसा लगा आपको क्रिसमस मेकअप लुक एंड न्यू ईयर ईव मेकअप लुक कॉमेंट ऑन करके आप जरूर बताना बाय द वे आप इसको um, यार 14 को क्या होता है डे डे पे भी आप इस लुक को कर सकते हो क्योंकि ये बहुत अप्रोप्रिएट लुक है बिल्कुल रेड रेड सा तो सारे प्रोडक्ट्स के प्रचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह खींची थी लाइटनिंग पता नहीं क्यों डल सी हो गई एनी तो मैंने सोचा ये भी इंक्लूड कर ही देते हैं अब लगाए हैं पंद्रह बीस मिनट फोटो खींचने में <laughs> तो ये भी जाते जाते डाल ही देते हैं भाई दो ये स्वेटर का कलर इतना सुंदर था ना बिल्कुल मरूनिश रेड कलर था एकदम ब्राइट रेड टाइप्स नहीं था नेक लाइन भी इसकी बिल्कुल सही थी डीप भी नहीं थी मिंत्रा से बाय किया था रील एंड शॉर्ट अपलोड करती हूँ मैं आपको अभी चलो जी बाय वे लव यू <laughs>